भारतीय स्क्विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की ट्रेडिशनल चीले की रेसिपी, जो कि हम बेसन से बनाएंगे। आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, स्टफ भी बना सकते हैं और इसमें वेजिटेबल स्टाइल का भी बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसको बनाकर अलग अलग तरीके से आप इसको खा भी सकते हैं और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस आसान से बनने वाले चीले की रेसिपी और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ ट्रेडिशनल बेसन वाले चीले की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी बेसन, करीब 8-10 चीले इसमें बन जाएंगे आसानी से। और इसमें डालूँगी मैं हींग, थोड़ा अच्छा डलेगा इसमें तो इससे स्वाद इसका बढ़ जाता है। और डाल रही हूँ ये वाली एक चम्मच सौंफ, डाल दूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, करीब मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। 3/4 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। और डाल रही हूँ 1/4 के करीब गरम मसाला और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर बना लेंगे, फ्लोइंग वाला पकौड़ी से थोड़ा पतला। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम पानी नहीं डालेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके का बैटर हमें इसके लिए बनाना है। अब इस बैटर को हम 10 मिनट के लिए भीगने रख देंगे। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन 10 मिनट भीग जाता है तो अच्छे से बनता है। रख देते हैं ढककर इसको। ये देखिए बैटर हमारा भीग गया है और तवा में गरम होने रख देती हूँ। आपको बताती हूँ ये चीला कैसे बनाते हैं। गैस पे मैंने तवा गरम होने रख दिया है। अब इसमें हल्का सा मैं ऑयल ग्रीस करूँगी, जिससे कि हमारा चीला जो है उसको उलटने में दिक्कत नहीं आए। और हल्के से इसको कपड़े से पोंछ दूँगी। और अब जो ये बैटर मैंने बनाया है इसमें से एक चम्मच लूँगी और इस तरीके से इसमें डालूंगी और गोलाकार में फैला दूंगी। अपने आप ये शेप पकड़ लेगा, कोशिश करिए आप गोल बनाने की। इस तरीके से छोटा बड़ा आप जैसे चाहे बना सकते हो। ये बन गया हमारा। और गैस को मीडियम रखना है और डाल देंगे ऑयल, जिससे केस अच्छे से सिक जाए और इसको छुड़ाने में दिक्कत नहीं होए। तो थोड़ा सा इधर से कलर चेंज कर देगा हमारा चीला, तब हम इसको पलट देंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। चारों तरफ से हम किनारे से धीरे धीरे करके इसको इस तरीके से छुड़ाएंगे। जब सिक जाएगा अपने आप ये उतरने लगेगा। ये देखिए और इस तरीके से उलट देंगे। दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब इस तरफ से भी इसको चुपड़ देंगे और दूसरी तरफ से सिकने देंगे। सिक गया है। आप चाहे तो इसी तरीके से उतार लीजिए, चाहे तो फोल्ड करके उतार लीजिए। मैं इसी तरीके से उतार लेती हूँ इसको, बाकी का और भी बना लेती हूँ। दोबारा से डालेंगे वो एक चम्मच और इसको इस तरीके से घुमा देंगे। देखिए इसे भी उलट लेते हैं हल्के हल्के हाथों से। फोल्ड कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं और इस तरफ से भी ऑयल लगा देंगे। इससे अच्छा सिकाई भी हो जाए और खाने में भी अच्छा लगे। चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ से भी सिक गया क्या। आप इसको उलट पुलट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार और ज़्यादा कमती अपने हिसाब से सेक सकते हैं।
क्रिस्पी सेकना हो तो ज़्यादा सेक लीजिए, गैस को मीडियम और सिम ही रखना है। और बस अब उतार लेते हैं। इस तरीके से और भी बाकी बना लेंगे। ये ट्रेडिशनली मैंने चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, हरी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं, और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और दही के साथ रायता भी बना सकते हैं। तो ज़रूर से बनाकर देखिए, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है चिल्ली की। तो फ्रेंड्स, जरूर से बनाकर देखिए इस आसान से चिल्ली की रेसिपी को, और बताएं अपने अनुभव कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।